Sinto sabato. हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज चिंटू कुमार और आप देख रहे हैं फूड बाबल एंड बीस्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, काफी लोगों की डिमांड थी कि मैं वेट या फैट लॉस पे एक वीडियो बनाऊं। तो आज हम बात करेंगे वेट या फैट लॉस के बारे में और इसके लिए क्या क्या मील्स ले सकते हैं। सो मील्स के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, मैं कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ इसे ध्यान से सुने ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। और अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर रेड बटन हिट कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, वेट लॉस करते समय ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। नंबर वन, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर को स्किप करना ये सोचकर कि इससे वेट लॉस होगा, बल्कि इसका इफेक्ट उल्टा होता है। नंबर टू, मेडिसिन, टैबलेट या फिर फैट बर्नर जैसे चीजों का उपयोग करना। दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो या फिर एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो आप चाहे कुछ भी इस्तेमाल कर लो, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा और साथ ही साथ इन चीजों के साइड इफेक्ट्स होने के भी चांसेस होते हैं। नंबर थ्री, इंपेशेंट होकर अपने डाइट को बार बार चेंज करते रहना। तो दोस्तों, वेट लॉस करने का एक सिंपल फंडा है, आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना होगा, यानी आपको एक कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपका करेंट वेट है 70 kg। तो इस वेट को मेंटेन रखने के लिए, यानी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होनी चाहिए अप्रॉक्स 2400 कैलोरीज। सो अगर आपको अपना वजन 10 kg घटाना है, यानी आपका टारगेट वेट होगा 60 kg, तो इसके लिए आपका कैलोरी कंजम्पशन होना चाहिए अप्रॉक्स 2000 कैलोरीज। सो कैलोरी डेफिसिट के लिए हम करेंट वेट के मेंटेनेंस कैलोरी को टारगेट वेट के मेंटेनेंस कैलोरी से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो इस तरह से हमें 400 कैलोरीज का डिफरेंस मिलेगा। सो हमें एक 400 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना होगा, यानी 400 कैलोरी कम खाना होगा। बट ध्यान रहे कि आप एक बार में 400 कैलोरी का डेफिसिट ना करें। पहले 200 कैलोरी के डेफिसिट में जाएं, उसके बाद अपने बॉडी के प्रोग्रेस को 1 से 2 वीक तक मॉनिटर करें। रिजल्ट आने के बाद अगेन आप 200 कैलोरी के डेफिसिट में जा सकते हैं। यानी अगर आप अभी तक 4 रोटी खा रहे थे तो आपको कम करके उसे 3 रोटी पे लाना है, उसके बाद 2 रोटी खानी है। ये नहीं कि आप सीधे 4 रोटी से सीधे 2 रोटी खाने लग गए, इससे आपकी क्रेविंग्स बढ़ेगी और एट द एंड आप पहले से भी ज्यादा खाने लगोगे। इसकी वजह से आपका वजन घटने के बजाय बढ़ने लगेगा और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो बात करेंगे कि ये कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर आप कार्ब का कंजम्पशन ज्यादा करते हो और आपकी एक्टिविटी लेवल कम है तो इससे आपकी बॉडी जो बचे हुए कार्ब्स हैं उसको बॉडी में एज ए फैट स्टोर करने लगता है। सो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कार्ब का कंजम्पशन थोड़ा कम करना पड़ेगा और आपको अपनी एक्टिविटी लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इससे आपकी बॉडी जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट स्टोर्ड फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड देन उसे यूटिलाइज करेगा। इससे आपका वेट लॉस या फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों, ध्यान रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस रहना और साथ ही साथ एक प्रॉपर डाइट को मेंटेन करना। और दोस्तों, हमारी बॉडी को खराब होने में थोड़ा समय लगा है, सो इसे सही होने में भी हमें थोड़ा समय देना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर दिन किसी भी तरह की एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जैसे वर्कआउट या फिर होम वर्कआउट या फिर ब्रिस्क वॉकिंग या फिर किसी भी तरह का स्पोर्ट्स जरूर खेलें, ताकि आप इससे फ्रेश भी रहेंगे और साथ ही साथ आपके वेट लॉस की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वेट लॉस या फैट लॉस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब हम बात करेंगे मील्स के बारे में। सो इस वीडियो में मैं खाने की जो भी क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ वो 70 kg का इंसान अगर 10 kg वेट लूज करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग है। सो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले सुबह उठते ही हम यूज करेंगे 1 glass पानी और उसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी और साथ में आधा नींबू का रस। सो ये आपके पूरे दिन के डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट पे। सो ब्रेकफास्ट में हम लेंगे फ्रूट्स और इसके साथ मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ। इन ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। सो पहला ऑप्शन है ओटमील विथ एग्स। सो ओटमील में ओट्स को आप पानी में बॉइल करेंगे, उसके साथ आप 1 banana ऐड करेंगे, देन थोड़ा सा जैगरी और साथ में 5 से 10 almonds एंड वॉलनट्स यूज करेंगे।
इसके साथ हम लेंगे 3x, इसमें से एक होल एग और दो एग वाइट यूज करेंगे। इसे आप ऑमलेट के तौर पे खा सकते हो या फिर आप इसे बॉइल करके भी यूज कर सकते हो। जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग एग्स की जगह 200 ml ऑफ वार्म मिल्क यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, जो है हमारा दो बेसन का चीला, जिसमें आप मिक्स वेजिटेबल यूज कर सकते हो और साथ में 200 ml ऑफ वार्म मिल्क यूज करेंगे। ये एक बहुत ही प्रोटीन का और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, वो है 4 इडली या फिर उसकी जगह 1 डोसा और उसके साथ हम लेंगे 200 ml ऑफ वार्म मिल्क। ये भी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। आखिर में चलते हैं चौथे ऑप्शन पे, वो है 2 पराठा जो बहुत ही कम ऑयल के साथ बना हुआ हो और उसके साथ हम यूज करेंगे पनीर भुर्जी। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रेकफास्ट, अब चलते हैं लंच पे। लंच में हम व्हाइट राइस या फिर ब्राउन राइस का यूज करेंगे, इन दोनों में से आप किसी भी तरह के राइस को यूज कर सकते हैं। इसके साथ वेट लॉस में जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती हैं वो होती हैं हरी सब्जियां, सो आपके पास हरी सब्जियों में जो भी अवेलेबल हो आप उसे जरूर यूज करें। इसके साथ प्रोटीन सोर्स के लिए राजमा, काबली चना या फिर हरे मूंग में से जो भी अवेलेबल है आपके पास आप उसे यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सारे दालों को मिक्स करके भी बना सकते हो। इसके साथ जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग चिकन या फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 1 बाउल कर्ड और साथ में ग्रीन सैलेड जरूर यूज करें। अब चलते हैं स्नैक्स की तरफ। तो स्नैक्स के तौर पे हम यूज कर सकते हैं स्प्राउट्स और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से ग्राउंडनट्स और थोड़ा सा जैगरी। इसके साथ साथ हम यूज करेंगे 1 केला या फिर 1 एप्पल। सेकेंड ऑप्शन है 2 होल व्हीट ब्रेड जिसके ऊपर आप 1 चम्मच पीनट बटर का इस्तेमाल करेंगे और इन सब के साथ आप 1 कप ग्रीन टी या फिर 1 कप ब्लैक कॉफी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं डिनर की। सो डिनर में हम इस्तेमाल करेंगे 2 चपाती और साथ में घर पे बनी हुई येलो दाल जो फाइबर में रिच होती है। इसके साथ हम प्रोटीन सोर्स के लिए यूज करेंगे सोया चंक, पनीर या फिर टोफू पनीर, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप इसकी जगह पर बोनलेस चिकन या फिर फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे ग्रीन सैलेड। डिनर के बाद दोस्तों करीबन 1 घंटे के बाद और सोने से आधे घंटे के पहले हम लेंगे 200 ml ऑफ वार्म मिल्क और उसके साथ हम लेंगे 8 से 10 आलमंड्स। तो दोस्तों ये थी आज की वेट लॉस एंड फैट लॉस के ऊपर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आपके वेट लॉस के जर्नी में आपको हेल्प करेगा। सो वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।